नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक एवं पूर्व सिविल सेवा अधिकारी आचार्य प्रशांत ने आगामी लोकसभा चुनाव को अहम बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, इसलिए बगैर किसी आर्थिक प्रलोभन के अपने मतदान का प्रयोग करें। अगर धर्म, जाति, मांस मदिरा के लालच में अपना मत देंगे तो देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक देश नहीं बदल सकता। सिस्टम को चलाने वाले तो वही लोग हैं जिनके हाथों में हमने ताकत सौंपी है। भारत के संविधान में कोई खोट नहीं है, लेकिन जिनके हाथों में ताकत है वह तो इसको बर्बाद कर ही रहे हैं। हमें देश की ताकत सोच समझकर सौंपनी है। अध्यात्म जगत सुधार का आंदोलन है। देश सुधार तभी होगा जब हमें आत्मज्ञान होगा। एक नए भारत का संकल्प हमें लेना है। यह क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। बगैर चेतना के कुछ भी संभव नहीं है। ऋषिकेश से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जनता जागृत होगी तो देश बदलेगा, तंत्र बदलेगा, नेता बदलेंगे, अफसर बदलेंगे, सब बदलेगा। और जनता को जागृत किए बिना जो लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बदल दें, तंत्र बदल दें, वो सपने ले रहे हैं, उन्हें सपने लेने दो। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बात ही नहीं करते कि जनमानस कैसा है, वो ये बात ही नहीं करते कि आम आदमी की चेतना कैसी है। वो कहते हैं नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए, हम सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम बदल के क्या होगा? सिस्टम को चलाने वाले कौन? हम लोग। अच्छे से अच्छा सिस्टम दे तो हम उसको तबाह कर देंगे। भारत का इतना सुंदर संविधान है, तुम जिन्हें बर्बादी करनी हो तो कर ही रहे हैं। और लोग अगर जागृत हो तो संविधान की बहुत जरूरत ही नहीं है। करना क्या है फिर नियम कायदे का? लोग ही जागृत, और लोगों के जागरण का क्या तरीका है? ये तो मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं? असल में मैं यहां बैठकर असल में कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको बदलने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। आप बदलोगे तो आपके माध्यम से सब बदल जाएंगे। यहां बैठ करके हम सब सामूहिक रूप से कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि पूरी दुनिया बदल जाए। तो अध्यात्म कोई व्यक्तिगत मसला भर नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में शांति आ जाए। हम अभी जो कर रहे हैं वो देश सुधार, समाज सुधार, तंत्र सुधार, राजनीति सुधार, जगत सुधार का आंदोलन है। ये आमूलचूल क्रांति है जो इस वक्त यहां पर हो रही है। ये ना समझिएगा कि अध्यात्म तो बंद कमरे के भीतर भजन कीर्तन और सत्संग का नाम है। यहां से लहरें निकल रही हैं जो हर दिशा में फैलेंगी और सब कुछ बदल डालेंगी, चुपके चुपके। अभी आंदोलन छोटा है तो पता नहीं चल रहा, और ये बढ़ेगा, विस्फोट की तरह फैलेगा और सब बदलेगा। सब कूड़ा कचरा जल जाएगा, रोशनी होगी। हाँ, उसमें कितना वक्त लगेगा पता नहीं, आप और हम जीते जी वो सब देख पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर ये क्रांति रुकने वाली नहीं। जो हो रहा है ये तो हो के रहेगा। हम आप इसको देखें ना देखें, हमारे आपके माध्यम से हो ना हो, पर होगा जरूर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।